अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल जो है पाकिस्तान में बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा ही कमर तोड़ दी है उन्होंने। तो मैंने जो अपने खुद अपनी मदद आप ये एक सोलर पैनल जो है मैंने चार लगाए हैं, जिससे जो है मैंने अपने घर का जो है बिजली का बिल और अपने घर की बिजली की लोड शेडिंग से जान छुड़ाने की कोशिश की। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चलती हुई प्रेजेंट एग्जाम्पल। अच्छे चलते हैं मेरे इन्वर्टर के पास, ताकि वहाँ पे जाके मैं आपको ये दिखा सकूँ कि ये किस तरीके से जो है मैंने इसको सेटअप किया है। मैंने चार पैनल लगाए 450 वाट के और मैंने इन्वेरिक्स का इन्वर्टर लगाया है। इन्वेरिक्स का इन्वर्टर जो है वो मेरा है तकरीबन 2.5 किलोवाट जो है वो प्योर आउटपुट दे सकता है। तो ये है कि उसमें मैंने चार पैनल लगाए हैं जो कि दो, ये समझ लें कि 2000 वाट के करीब, 450 वाट के हैं तो 1800 वाट के करीब। और दूसरा ये कि मैंने गाड़ियों की बैटरियों पर लगाया है, इस ऑन कर दिया सिस्टम। अगर कोई कहता है कि गाड़ियों की बैटरियों पर सिस्टम नहीं चलता, तो मेरा पूरा घर चल रहा है। मेरा फ्रिज और डिस्पेंसर और सारे पंखे और पूरा घर के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे 450 वाट जो है इसके अंदर शो कर रहा है। ये मेरे घर का इस वक्त टोटल आउटपुट है फ्रिज और डिस्पेंसर के साथ। इस वक्त देख लें आप टाइम, तकरीबन 4:18 होने, इस वक्त सूरज ना होने के बराबर होता है, उस पर भी मेरे पास ऊपर से इस वक्त 350 वाट के करीब आ रहा है। तो ये है कि 450 वाट जा रहा है और 350 वाट के करीब आ रहा है। और ये जो है क्या कहते हैं, देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक, ये मैंने ज़ीरो किया हुआ, मैं कि इलेक्ट्रिक लेता ही नहीं है उसके अंदर, सिर्फ सोलर दिया हुआ है मैंने, सोलर ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। जब सोलर ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं कि इलेक्ट्रिक पर स्विच कर लेता हूँ। गाड़ी की एक बैटरी मैंने नई ये ली थी और एक ये नई ली थी, ये छोटी सी बैटरी है। टोटल 72 एम्पीयर का मेरा सिस्टम है और उसके अंदर मेरा पूरा घर चल रहा है। और ये है कि अपने बजट के हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से मैंने कोशिश की है कि ये चल जाए सिस्टम। अब आप लोग देखें, आप लाइक करते हैं तो फिर मुझे बताएं।